गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड इफ़ यू लाइक अर वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता या फिर साइबर क्राइम, कुछ भी कह सकते हैं इसे। ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने बताया है इसमें कि नई पीढ़ी जो है आजकल एक आदत सी बनती जा रही है कि वो लोग सब कुछ इंटरनेट से देख के कहीं काम करते हैं, 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, तो उन्हें टाइम ही नहीं है कि वो अखबार देख सकते। तो उन्होंने अखबार वो लोग टी वी पर ही, मतलब अपना फ़ोन पर ही देख लेते हैं और वो लगातार अपडेट भी होता रहता है। इसमें जो भी ऐप्स होती हैं वो लगातार अपडेट होती रहती हैं, इसलिए उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो पेपर में देखें, क्योंकि वो तो एक दिन में केवल सुबह आता है, उसके बाद फिर उसमें जितनी भी न्यूज़ हमें देखनी होती हैं हमें बाद में दूसरे दिन ही को देखने को मिलेंगी। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाली संख्या में भी इजाफा हो रहा है। हर साल करीब 50 से 55 जैसे लोग जो हैं वो इंटरनेट कनेक्शन की संख्या ले रहे हैं। इंटरनेट पर एक झटके में झूमने तरीके से लेकर, मतलब कहीं भी पूरे इंडिया का, पूरे विश्व का, हम कहीं से भी किसी की भी खबर जान सकते हैं। दुनिया भर की चर्चाओं, परीक्षाओं में शारीरिक हो सकते हैं और अखबारों की पुरानी फाइलें खंगाल सकते हैं। सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार नहीं है। इसमें आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तो सार्वजनिक किसी तरह का अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट जहाँ सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं अश्लीलता, दुष्प्रचार, गंदगी फैलाने के बाद हम लोग कई चीज़ जानते हैं कि इंटरनेट से हम लोग किसी कई तरह के क्राइम्स भी हो रहे हैं, जिसे साइबर क्राइम्स भी कहा जाता है, तो इसी की वजह से हो रहे हैं। और ये इसका हर चीज़ की चीज़ से किसी का एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो किसी का एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी दो रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल करना, यानी खबरों के को भेजने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना, या फिर दूसरा रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने, समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन, पुष्टिकरण को भी इसका इस्तेमाल करता है। मतलब वो अपने दोस्तों से बातचीत करता है कि वो चीज़ खबर उसने भेजी है वो सही है कि नहीं है, इन सब चीज़ों पर पता कर लेता है। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। टेलीविजन या अन्य समाचार माध्यमों में खबर के बैकग्राउंड तैयार करने या किसी खबर को पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए यहाँ पहले ढेर सारी एक बारी कतरनी को फाइलें ढूंढना पड़ता है। मतलब अगर हमें नॉर्मल अपनी कोई पुरानी खबर चाहिए तो फिर हम बहुत सारी फाइलों में उसको बैठ के ढूंढते रहेंगे तब हमें कुछ मिल पाएगा, लेकिन अगर हमें इंटरनेट पर कोई पुरानी खबर चाहिए तो बस हम अपना एक नॉर्मल गूगल पर जाकर सर्च लिख देंगे और हमें तुरंत वो चीज़ मिल जाएगी, वो कहीं भी कभी भी आई होगी। तो इसलिए हमारे हम ये बच्चे आजकल इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, बल्कि जो नॉर्मल पेपर पर आते हैं अखबार उनका यूज़ कम किया जा रहा है।